हेलो कैसे हो आप सभी लोग। आ गए मैं एक और नई वीडियो में और आज हम खेलने जा रहे हैं एक और न्यू गेम जिसका की नाम है एनिमल रिवॉल्ट बैटल सिमुलेटर। तो चलो भाई अभी इसमें अपनी एज पूछ रहा है तो एज को डाल देते हैं जल्दी से, जो कि मेरी एज है आप देख सकते हो कितनी, तो मैंने डाल दिया अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे। और अभी कर देते हैं आई एग्री पे। ओके तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इस गेम के कि हमको इसमें भाई एनिमल से करनी पड़ेगी फाइट। एक तरफ होंगे हम और एक तरफ होंगे अपने अपोनेंट मतलब एनिमीज। तो देखते हैं भाई कैसा क्या होने वाला है। मैं वैसे इस गेम को खेलने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था सच बता रहा हूँ। तो फिर मैंने भाई सोचा कि चलो इस गेम को खेलते हैं और आप लोगों के साथ खेलते हैं जिसमें कि भाई और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई अभी मैं इस गेम कर लेता हूँ स्टार्ट, देखते हैं कि इसमें कैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दो मुझे दिखा रहा है, एक ह्यूमन सेल्वेशन और एक राइज ऑफ द एप्स। तो मैंने ह्यूमन वाला सबसे पहले लगा लिया और इसको देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे भाई एक मुझे क्रोकोडाइल दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहा है यूज़ द जॉयस्टिक टू मूव, और यहाँ पे भाई रोटेट द कैमरा। अच्छा मैं रोटेट भी कर सकता हूँ कैमरे को और भाई जॉयस्टिक की मदद से मैं मतलब पास और दूर कर सकता हूँ। और ये मेरा एनिमी है देख सकते हो आप। तो भाई मुझे इसको हराने के लिए मेरे को अपने कुछ कैरेक्टर लेने पड़ेंगे जो कि भाई यहाँ से अपनी आर्मी को ले सकता हूँ। तो अपनी आर्मी को लूँगा मैं और इस जॉयस्टिक की मदद से मैं आसपास घुमा सकता हूँ, वो सब इसमें बता रहा है। तो ठीक है भाई, मतलब समझा भी काफ़ी अच्छे से रहा है। ऊपर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर मेरा बुडगेट दिखा रहा है कि मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं पूरे कितने अपोनेंट ले सकता हूँ गाइज, अपोनेंट नहीं सॉरी गाइज मेरी आर्मी कितनी ले सकता हूँ। तो जिसकी है भाई काउंट लिमिट 15 लोगों को मैं ले सकता हूँ। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे भाई 8 ये हैं और भाई 3.5 रुपये के वो वाले हैं और 8 रुपये के ये हैं और मेरा बुडगेट 120 रुपये का। तो देखो धीरे धीरे मेरा बुडगेट भी गाइस ख़त्म होते जाएगा और मुझे 15 लोग लेने थे तो मैंने पूरे ले लिए अभी आप देख सकते हो। अब मैं सोच रहा हूँ भाई करवा देता हूँ फाइट को स्टार्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे क्रोकोडाइल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसको मुझे भाई हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ तो शायद मैं इस गेम को कंप्लीट कर दूँ इसी फर्स्ट टाइम में। तो चलो भाई अभी काउंट लिमिट हो चुकी है, आप देख सकते हो मैंने 15 लोगों को ले लिया है $97.5 में। मतलब मेरा बुडगेट भी अभी बचा हुआ है, मैं और चाहूँ तो भाई और भी ले सकता हूँ बट अब मेरी भाई काउंट लिमिट ख़त्म हो चुकी है। पैसे तो हैं बट काउंट लिमिट ख़त्म हो चुकी है। तो ठीक है अब मैं सोच रहा हूँ भाई बैटल को करवाते हैं स्टार्ट। तो आप लोग रेडी हो बिल्कुल गाइज, अभी आप लोग बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे मुझे लग रहा है इस फाइट को देखने के लिए। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। तो चलो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आराम से करेंगे स्टार्ट और फिर देखते हैं कि भाई क्या मज़ा हमको मिलने वाला है। देखो भाई कैसा दिख रहा है, मतलब क्रोकोडाइल को देखो आप एक बार, क्रोकोडाइल को देखो गाइज आप एक बार कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे भाई अपने मतलब एक ओल्ड टाइप के लोग से अभी देखो अपना बैटल गाइज हो चुका है स्टार्ट और ये मार रहे क्रोकोडाइल को। भाई क्रोकोडाइल भी बहुत बुरी तरीके से इनको फेंक रहा है भाई मुँह में दबा के। देखो भाई जीत पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता है बट भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया क्रोकोडाइल ने भी, पर जीत जाएंगे यार इनकी मतलब तादाद काफ़ी ज़्यादा है। देखो गाइस इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, अदरवाइज भाई क्रोकोडाइल ऐसा पटक रहा है इनको उठा उठा के देखो आप। बट क्रोकोडाइल को भाई इधर थोड़ा सा डैमेज और क्रोकोडाइल यहीं पर फिनिश हो जाएगा जो कि मर चुका है। देखो भाई यहाँ पे क्रोकोडाइल भाई फिनिश हो चुका है और हम जीत चुके हैं भाई, हमारी हो चुकी है विक्ट्री, काफ़ी सही सी बात है। आप बताना भाई आपको कैसा लगा ये वाला भाई हमारी फाइट। खैर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरी फर्स्ट वाली फाइट थी इस गेम की। वैसे इस गेम की पूरी सीरीज आएगी चैनल पर तो प्ले लिस्ट में बना दूंगा, आप उसमें चेक करते रहना, बट ये अभी फर्स्ट वीडियो इसकी। अभी भाई यहाँ पर कुछ एंशियंट टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं मतलब पुराने टाइप के, आप लोग देख सकते हो जो कि मतलब राजा महाराजा के टाइम में रहते थे भाला वगैरह लेके उस टाइप के। और अपने पास भाई न्यू लोग हैं मतलब हमारे वाले जो प्लेयर्स हैं भाई उनके पास बंदूक वगैरह है। हमारा बुडगेट इस बार है भाई 18 और भाई हमारी काउंट लिमिटेड 10। तो भाई 18 मेरे ख़त्म हो चुके हैं, 79.5 हो चुके हैं। अभी देखते हैं कौन जीतता है, मैंने फाइट तो स्टार्ट करवा दिए भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना बंदूक वाले मुझे लेने चाहिए थे क्योंकि ऐसे तो ये एंशियंट वाले भाला घुसा देंगे। और भाई हम जीत चुके हैं, ये वाली भी हमारी हो चुकी है विक्ट्री भाई, काफ़ी सही सी बात है यार वैसे काफ़ी ज़्यादा। तो भाई जिसको वीडियो में अभी तक जो वीडियो को देख रहा हो और आपको वीडियो में आ रहा हो मज़ा, तो भाई आपके भाई के लिए भाई एक लाइक जरूर से कर देना वीडियो को और चैनल पर नया हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार गेम्स लेके आते रहते हैं। तो अभी मैं भाई खेलने जा रहा हूँ राइज ऑफ द एप्स, मैंने 2 लेवल्स उसमें कम्प्लीट कर लिए, अभी राइज ऑफ एप्स देख रहा हूँ मैं। तो भाई राइज ऑफ एप्स में मेरे पास 3 एप्स मुझे दिए गए हैं यहाँ पे, मेरा बुडगेट है 300 का और काउंट लिमिट है 8। तो 300 में मैं सोच रहा हूँ भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल भी ले सकता हूँ मैं, 8 मेरी काउंट लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, 280 रुपये मेरे लग चुके हैं। अभी गाइज मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने 8 प्लेयर्स को यहाँ पे 8 एप्स को ले लिया है। और अभी हमारी फाइट हो गई है स्टार्ट, वो भी डायनासोर से। देखो मतलब डायनासोर भी भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, ओ भाई मतलब ऐसे घुमाता है ना इसकी पूँछ से और इसके जबड़े से भाई कोई बच नहीं पाता। देखो अपने एक एप से मर 2 एप से मर चुके हैं गाइज, एप्स भी हमारे काफ़ी कम बचे, एक को तो भाई डायनासोर ने मुँह में ही दबा के मार दिया है।
और भाई ये दो एप्स मेरे बचे हैं यार, जितवा दो अगर चाहो तो भाई तुम जितवा सकते हो एप्स। भाई यहाँ पे मेरे फिर से हो चुकी है विक्ट्री, देख सकते हो आप। हमने भाई जाइंट डायनासोर को हरा दिया भाई, कितनी बढ़िया वाली बात हो गई यार, देख सकते हो आप। भाई अभी मेरे एप्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, आप देख सकते हो यार। दो मेरे एप्स बचे थे और उन्होंने मुझे जितवा दिया, जो कि काफ़ी। इस बार फिर से वही वाली आई है भाई, इस बार एंशियंट के लोग हैं, बट उनकी भाई थोड़ी काउंटिंग ज़्यादा है, आप देख सकते हो। आगे की तरफ 5 खड़े हैं और पीछे की तरफ 3, नहीं सॉरी गाइस, आगे की तरफ 4 खड़े हैं, पीछे की तरफ 3 खड़े हैं, पूरे 8 प्लेयर्स हैं ये। और भाई मैं कितने ले सकता हूँ, मेरी 8 काउंट लिमिट है, जिसमें 110 रुपये का मेरा बुडगेट है, मतलब 110 रुपये में मुझे 8 को लेना है। तो 20 रुपीज़ का आ रहा है ये वाला, 35 का फर्स्ट वाला है, और 8 रुपीज़ का आ रहा है सबसे लो वाला। तो 8 वाला तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो पतला दुबला दिख रहा है मुझे देखने में, तो अभी सबसे तगड़ा वाला ले लूँ मैं सोच रहा हूँ गाइस। सबसे तगड़ा वाला लेते हैं ये 35 वाला, और देखते हैं इनकी कितनी पावर है। 3 ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा बुडगेट अब हो चुका है ख़त्म। तो ओके, मैं 3 से ही सोच रहा हूँ, एक बार इनकी फ़ाइट करवा देता हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है, कौन जीतता है भाई इस फाइट में। चलो भाई, एंशियंट के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है यार, सोचो भाई, मतलब कैसे राजा महाराजा के टाइम पे लड़ाइयाँ हुआ करती होंगी देखो। बट भाई मेरे अभी एप्स जीत चुके हैं, बट भाई कैसे राजा महाराजा के टाइम पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आप लोग देख सकते हो इससे। मतलब यार कैसे ही राजा महाराजा सर्वाइव कर पाते होंगे, मतलब भाले से मार रहे, तलवार से मार रहे, भाई हर चीज़ से मार रहे हैं। मतलब यार पहले का ज़माना भी उतना भी अच्छा नहीं था यार, जितना हम सोचते हैं। मतलब यार फाइटिंग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप देख सकते हो भाई। अभी इस तरफ उस तरफ वाले भी भाई बहुत ज़्यादा पुराने लोग आ चुके हैं, जिनके हाथों में भाई मुझे पत्थर के कुछ दिख रहे हैं औजार, और इनके लिए मैं भाई ये पतले वाले एप्स लगा रहा हूँ, अभी देख सकते हो आप। एक तगड़ा वाला भी लगा देता हूँ, और बाकी अब तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, मेरा पूरा बुडगेट ख़त्म हो चुका है। अभी मेरे को भाई एक और एप्स की वो देखो भाई, ये छोटे वाले एप्स तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो हाथ से कुछ पत्थर वगैरह फेंकते हैं, देखो। ओ भाई साहब, मतलब मैं यार इनको जबरन में ही नहीं ले रहा था, मैं इनको ख़राब समझ रहा था, पर भाई मर भी काफ़ी जल्दी जाते हैं, मतलब एक ही वार में भाई ख़त्म हो जाते हैं। और मेरा लास्ट एप बचा, और इधर पे भाई ओपोनेंट भी लास्ट बचा है मेरा एनिमी, और जो कि फिनिश भाई, मतलब यार ये पत्थर वगैरह मार पाते हैं हाथ से, तो जो कि काफ़ी सही बात हो जाती है, मेरी विक्ट्री हो चुकी है। आप बताना भाई आपको छोटे वाले एप्स की पावर कैसी लगी। मैं सोच रहा था भाई कमज़ोर से होंगे, कमज़ोर तो हैं वैसे वो, बट भाई वो कुछ फेंक पाते हैं, दूर से फेंक के मार पाते हैं, जो कि वो काफ़ी सही बात है यार। मतलब मुझे भाई सबको ट्राई करके देखना चाहिए, ये बात तो मैं जान चुका हूँ भाई गेम में, कि जितने भी है भाई सब किसी न किसी काम के लिए बने हुए हैं। तो मैं दो अभी पीछे के लिए लगा देता हूँ, जैसे कि भाई जैसे ये घोड़े वहाँ से आए भाई सामने की तरफ, तो मेरे एप्स कुछ काम करके दिखा दें। और भाई मेरा बुडगेट है अभी 18 का, और मेरी काउंट लिमिटेड 10, मतलब मुझे 80 रुपये में 10 को मैं ले सकता हूँ, तो जो कि भाई बिल्कुल भी मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे पैसे ख़त्म हो चुके, मैंने थोड़े पावरफुलों को ले लिया। देखो भाई, ये कुछ मुझे उस टाइप के एंशियंट के लोग दिख रहे हैं, मतलब जो कहाँ पे हुआ करते थे, मैं आपको कैसे बताऊँ, इजिप्ट मिस्र में गाइस, मिस्र में आपने देखा होगा, अगर आपने मम्मी वगैरह पिक मूवी देखी होगी तो उसमें भाई ऐसे ही लोग दिखा करते थे, और वैसे ही अभी दिख रहा है हमें, देखने को मिल सकता है इसमें। बट जीतेंगे या हारेंगे हम ये तो मुझे नहीं पता अभी, बट ऐसे ही दिख रहा है देखो। और अपना दूर से भाई एक मंकी फेंक के मार रहा है भाई, जिसके लिए मैंने उसको लेके खड़ा किया था वहाँ पे। देखो भाई अभी मेरा भाई लास्ट, यहाँ पे बंदर भी बचा है, और एक भाई अभी हॉर्स बाकी है, और उस हॉर्स ने उसे मार दिया, और भाई यहाँ पे हम हो चुके हैं लूज, डिफीट हो चुके हैं भाई। मतलब यार इस बार मुझे मेरी थोड़ी दिमाग लगा के भाई कोई दूसरा मुझे यहाँ पे सिस्टम बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यार अपने प्लेयर्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं अपने एप्स। भाई वैसे तो मुझे लगा था कि हमारे एप्स जीत जाएंगे, बट यहाँ पे दो ही एप्स मैं सोच रहा हूँ इस बार लेते हैं, और उसके बाद फाइट करवाते देखते हैं। मुश्किल लग रहा है गाइस, क्योंकि पिछली बार इतने सारे थे तो भी अपना नहीं जीत पाए थे, बट इस बार तो सिर्फ दो ही हैं, पर शायद ये कमाल करके दिखा दें। अभी देखते हैं जो भी होगा आपके सामने होगा, बट भाई साउंड काफ़ी बढ़िया आ रहा है। एप्स भाई दिखा दो यार इतनी पावर तुम, कि तुम ही पहलवान हो इस दुनिया के भाई। अभी भाई इन एंशियंट लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, इनके हॉर्स भी यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर हॉर्स को भी हमारे एप्स उछाल ही दे रहे हैं। मतलब अगर ये पीपल की बात हो ना भाई, इन मेंस की बात हो, तो इनको काफ़ी आसानी से हम हरा दे, बट इनके हॉर्स भाई, हॉर्स इनके जल्दी नहीं हारते हैं, क्योंकि हॉर्स में एक एनिमल पावर है इसलिए भाई। तो देखो इस बार भी हमारी हो चुकी है यहाँ पे विक्ट्री बढ़िया तरीके से, काफ़ी मज़ेदार गेम है यार, मुझे मज़ा भी आ रहा है खेलने में राइज ऑफ एप्स। अभी मैं भाई सोच रहा हूँ एक बार कि ह्यूमन सेल्यूएशन का एक और राउंड लास्ट वाला मैं खेल रहा हूँ, इसके बाद भाई अपन इस गेम को कर देंगे यहीं पर एंड। और अभी देखते हैं कि भाई इस बार मैं कौन सा प्लेयर ले सकता हूँ यहाँ पे। ये भाई मॉडर्न ह्यूमन है हमारे, जिनके हाथों में भाई गन्स वगैरह रहती है, और उस तरह भाई एंशियंट टाइप के ह्यूमन है, जो कि भाई पुराने ज़माने के हैं। चलो भाई अभी मैंने मेरे सिस्टम बैठा दिया, यहाँ पे मैं सबसे एंड वाले भी ले रहा हूँ। मेरा बुडगेट है 120 रुपीज़ का, और काउंट लिमिट है 10, तो ठीक है मैंने भाई काउंट लिमिट के हिसाब से 10 प्लेयर्स ले लिए, 140 में ही आ गए हैं ये। और अब इनको करवा देते हैं भाई इनसे फाइट, मतलब इनका युद्ध भाई शुरू हो चुका है। देखो
अभी भाई मेरे प्लेयर भी जाके भिड़ चुके और वो भाई तलवार से मार रहे हैं, जो कि भाई इसी से तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है यार भाई, तलवार चला रहे बंदे। बट हमारे यहाँ पे हो चुकी है भाई लोग विक्ट्री, आप देख सकते हो भाई ये वाला भी मैं गेम जीत चुका हूँ। तो ठीक है भाई लोग, यही वाला मेरा लास्ट वाला था। अब इसमें मुझे बचा है भाई फोर्थ लेवल खेलनी है और मुझे राइज ऑफ एप्स में भाई फाइव के बाद सिक्स वाली लेवल खेलनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमको दिखा रहा है कुछ हमारी लैंग्वेज वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस लोग, आपको ये गेम कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो में आया मजा तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और चैनल पर नया होता है छोटे भाई का चैनल है जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।